बिग बॉस हाउस में दो एविक्शन हो चुके हैं, तो इस बार कोई भी एविक्शन नहीं होगा। ये बात कहते ही शमिता ने एकदम से सरप्राइज होकर सलमान से पूछा कि एक तो अफसाना है, दूसरा कौन। इस बात का खुलासा सलमान ने कहा कि मैं तुम्हें बताने ही वाला हूँ, और ये बात मैं तुम्हें बताने ही जा रहा हूँ कि राकेश मेडिकल टर्म्स पर ठीक है, लेकिन वो अब रेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने शो में वापस आने से मना कर दिया है। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, वो थोड़ी सी शॉक और सरप्राइज हो गई और उनके आंसू निकलने लगे। क्या इस बात का पता शमिता को पहले से ही था? क्योंकि वो इस बात का खुलासा यानी बात करते हुए नेहा से नज़र आई कि वो इस तरह से दूसरी बार भाग नहीं सकता, यानी कि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ इस बात को सुनने के लिए कि राकेश वापस नहीं आ रहा। ही शुड कम बैक टू इन बिग बॉस हाउस। यहाँ पे माइंड और डर्टी गम्स खेले जाते हैं। शायद शमिता शेट्टी को कहीं कहीं ना कहीं ये बात का पता था कि राकेश भाग जाएंगे। उन्होंने नेहा भसीन से ये भी कहा कि ही अगेन रन अवे, वो दोबारा भाग गए यहाँ से। तो हमें ये लग रहा है कि शमिता शेट्टी को कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था कि अगर एक बार राकेश बाहर चले गए तो वापस नहीं आएंगे। उसे मुझे कहकर जाना चाहिए था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि वो जानता था कि वो वापस नहीं आएगा। वोट फूट कर शमिता शेट्टी इस बात पर रो पड़ी और नेहा भसीन उन्हें कंसोल करती हुई नज़र आई कि नहीं नहीं मत रो शमिता, तुम बाहर जाके मिलने ही वाले हो ना। शमिता ने कहा, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप किसी चीज़ से भाग जाओ। अब देखना ये होगा कि शमिता किस तरह से राकेश बापट पर रिएक्ट करती हैं और क्या डिसीजन लेती हैं राकेश की इस हरकत पर। अब शमिता अपना गेम कैसे खेलती हैं बिग बॉस हाउस में, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट उन्हें घर के अंदर मिल चुका था राकेश का, और फिर से उन्होंने भाग कर ये दिखा दिया कि वो शमिता के साथ नहीं है। क्या होगा अब तो देखना पड़ेगा, और जैसे ही कोई न्यूज़ वाकई में आती है हमारे पास, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।